नमस्कार प्रिय दर्शकों 17 जनवरी 2023 को शनिदेव ने जैसे ही मकर राशि को छोड़कर अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश किया उनके कुंभ में प्रवेश करते ही देव गुरु बृहस्पति कर्तरी योग पाप मध्यत्व में आ गए इस समय गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप देखें तो देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में जो कि उनकी साधारण स्वयं की राशि है उसमें गोचर कर रहे हैं मेष में राहु और कुंभ में शनिदेव के होने के कारण राहु और शनि के मध्य देवगुरु बृहस्पति पाप मध्यत्व में आने के चलते अपना शुभ प्रभाव आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे देखा जाए तो अभी 22 अप्रैल तक देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं अब यदि हम देखें तो कुछ राशियां वैसे मेष के लिए देखें तो देवगुरु बृहस्पति बारहवें का प्रभाव दे रहे हैं बारहवें में भी अगर ये कर्तरी योग में आ रहे हैं तो कही न कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति के बारहवें में होने के कारण आपका जो व्यय था वो अच्छे ही कार्यों पर हो रहा था सही कार्य पर जा रहा था लेकिन अगर वो कर्तरी योग में आ गए तो फिर धन गलत कार्यों में जाएगा व्यर्थ की परेशानियों में जाएगा यानी खर्च जो होगा अब अब उसे हम कहेंगे व्यर्थ का व्यय लेकिन उससे ज्यादा विचारणीय ये नौ ऐसी राशियां हैं जिन्हें देवगुरु बृहस्पति का कहीं ना कहीं श्रेष्ठतम प्रभाव मिल रहा था जैसे वृषभ अगर आप वृषभ राशि के हैं तो देव गुरु बृहस्पति गोचर में आपकी राशि से इस समय लाभ भाव में गोचर कर रहे थे जहां कि वो स्वगृही होकर के आपके लिए लाभ के अनेकानेक रास्ते बना रहे थे अब उनके पाप मध्यत्व में आ जाने के चलते लाभ बाधित होगा लाभ के जो रास्ते बन रहे थे वो कहीं ना कहीं अब प्रभावित हो जाएंगे उत्तम लाभ नहीं प्राप्त होगा जब भी कोई ग्रह पाप मर योग में आता है तो उसका मूल प्रभाव क्या होता है जैसे लग्न यदि पाप कर्तरी योग में आ जाए तो इसका प्रभाव होता है जातक के जीवन काल में उत्थान बाधित हो जाना उसका कोई भी काम वक्त पर न होना हर कार्य में अड़चन बाधा विघ्न परेशानी आना अब वैसे ही जब लाभ भाव पाप मध्यत्व में आएगा और वहाँ लाभ भाव में बैठे देवगुरु पाप मध्यत्व में आएंगे तो लाभ के रास्ते बंद होंगे बड़ा बड़े भाई बहनों का घर है एकादश अगर चंद्र कुंडली के आधार पर देखें पुरुष के लिए तो बड़े भाई बहनों के साथ संबंध में परेशानी आएगी जीवन में जो उत्थान की स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाएगी ऊपर से स्वास्थ्य में जैसे पेट जन्य रोग की संभावनाएं बढ़ेंगी अब यही बात यदि मिथुन के लिए देखें तो कर्म भाव में देव गुरु बृहस्पति दशम में गोचर करे थे जो कि अत्यंत श्रेष्ठ था हंस महापुरुषों का निर्माण अब वो गुरु पाप मध्यत्व में आ जाने के चलते परेशानी कार्यक्षेत्र में उठापटक की स्थिति उत्पन्न होगी व्यर्थ की परेशानी आएंगी पिता के साथ संबंध खराब होगा पिता के स्वास्थ्य में परेशानी आएगी उच्च अधिकारियों से संबंध खराब यानी ये परेशानी आपको देखनी पड़ेगी तो वहीं अगर कर्क के लिए देखें तो सर्वाधिक श्रेष्ठ भाग्यभाव में देव गुरु बृहस्पति गोचर कर रहे थे और अब ये पाप पापकर्तरी योग में जब आएंगे तो फिर यही समस्या पिता के साथ संबंधों में परेशानी पिता को कष्ट होगा भाग्य का साथ नहीं मिलेगा भाग्य से धर्म से भाग्य से नहीं धर्म से आप कहीं ना कहीं आपकी रुचि घटेगी या धर्म में आपका मन कम लगेगा पूजा पाठ से आपका मन हटेगा तो ये समय आपके लिए नुकसानदेह सिद्ध होगा शुभ के लिए तो मान लीजिए अष्टम में थे लेकिन यदि हम कन्या की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति सप्तम में गोचर कर रहे थे विवाह से लेकर के आपके व्यापार तक हर तरह से ही आपको सपोर्ट कर रहे थे समाज में मान सम्मान वृद्धि अब सब दिलाने का वैसे तो अभी तक आपका समय ही ठीक नहीं था लेकिन समय ठीक हुआ तो भी देव गुरु भी पीड़ित रहेंगे तो जो सहयोग इनसे मिल सकता था वो कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है और वहीं अगर आप वृश्चिक के लिए देखें तो वृश्चि के लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ पंचम में संतान का सुख प्रेम का सुख शिक्षा विद्या का सुख ये सब वंचित इससे या तो आप वंचित हों या ये बाधित हो जाए आपके लिए वैसे तो आपके लिए अभी ढैया लग गई तो ये ढैया के समय में आपके लिए सहयोगी होते लेकिन देव गुरु बृहस्पति के पीड़ित हो जाने के चलते वो सहयोग प्राप्त नहीं हो सकेगा और वहीं यदि हम धनु के लिए देखें तो देव गुरु बृहस्पति हंस महापुरुषों का निर्माण चतुर्थ में होकर के कर रहे थे ये गृह सुख भूमि भवन वाहन का जो सुख आपको प्राप्त होना चाहिए था उसमें कमी लाएंगे उससे ही आपको वंचित कर देंगे यानी गुरु पीड़ित हुए हैं लेकिन गुरु के चलते जो सुख आपको मिलना चाहिए था उसमें कमी आएगी वहीं यदि मकर के लिए देखें तो देव गुरु पराक्रम में बैठकर भाग्य का प्रभाव बढ़ा रहे थे तृतीय भाव में है यहाँ पीड़ित होने से भी कोई बहुत नुकसान तो नहीं होगा लेकिन फिर भी अगर यहाँ पर भी ये पीड़ित हो रहे हैं तो इनका जो अच्छा प्रभाव मिल सकता था सन मार्ग या सही मार्ग पर जो आपका प्रयत्न हो रहा था उसमें कमी आए और अगर कुंभ के लिए देखें तो देव गुरु बृहस्पति धन का प्रभाव दे रहे थे धन भाव में बहुत श्रेष्ठ उनका प्रभाव मिल रहा था वो पाप मध्यत्व में हो जाने के चलते धन संचित न होना पैतृक संपत्ति को लेकर के व्यर्थ का विवाद होने लगना यानी ये टेंशन परेशानी का समय और मीन जिसके राशि पर ही यानी आपकी राशि पर ही देवगुरु का संचरण था इनका पाप कर्तरी योग में आ जाना कहीं ना कहीं आपके हर कार्य को खराब करने वाले होंगे हर अब देवगुरु खराब नहीं करेंगे देवगुरु का प्रभाव आपको हर तरह से फायदा दे रहा था और वो देव गुरु ही पीड़ित हो गए तो वो अपना सही प्रभाव नहीं दे पाएंगे क्या करना चाहिए आपको इसके लिए आप देव गुरु को बल दीजिए कैसे होगा वो केसर का तिलक लगाइए नित्य और गुरु के बीज मंत्र का नियम से जब करिए कम से कम रोज कर सकते हैं तो एक माला नहीं तो गुरुवार के गुरुवार कम से कम तीन या सात माला इसके अलावा कोई भी घर के आसपास मंदिर हो मंदिर में जाइए दर्शन करिए मंदिर के साफ सफाई में हिस्सा लीजिए अपने इनकम का कुछ हिस्सा मंदिर में दान करिए इससे गुरु को बल आएगा और मैंने एक प्रयोग बताया था कि अगर आपको देशी गाय दिखाई पड़े तो उनके पीठ पर जो उभरा हुआ हिस्सा दिखाई पड़ता है वो देव गुरु बृहस्पति हैं उसको छूने से सहलाने से देव गुरु बृहस्पति के अंदर बल आता है देव गुरु बृहस्पति अपना श्रेष्ठ प्रभाव देने लगते हैं तो ये काम भी आपको करना होगा तो कुल मिलाकर के ये छोटे छोटे सभी उपायों को करके अपने देव गुरु बृहस्पति को आप बलि करने का प्रयत्न करिए याद रखिएगा देव गुरु बृहस्पति की जो शुभता है जो उनका शुभ प्रभाव है वो हमारे जीवन में हमें पग पग पर हमारे लिए सहयोगी होता है और उनके इस शुभ प्रभाव से हमारे जीवन में चंवोर एक ऐसी स्थिति हमें प्राप्त होती है जो हमें आगे बढ़ाने वाली होती है अब वो देव गुरु बृहस्पति जब पीड़ित होंगे तो अपना सर्वश्रेष्ठ शुभ प्रभाव आपको नहीं दे सकेंगे तो आप ये जितने भी मैंने छोटे छोटे उपाय बताए हैं इन्हें तत्क्षण शुरू कर दीजिए इन उपायों को करने से आपके देव गुरु बृहस्पति ठीक हो जाएंगे अब सवाल खड़ा होता है कि जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए आपने कहा कि देव गुरु का केसर का तिलक इत्यादि बिल्कुल सबके लिए भाई जो वृषभ के जातक हैं उन्हें संतान नहीं चाहिए होता है जो वृषभ के जातक हैं उन्हें दाम्पत्य विवाह उनका नहीं होना चाहिए उनके जीवन में धन धान्य मान सम्मान नहीं चाहिए तो हर किसी को गुरु ठीक करने हैं आप ये करिए गुरुवार के गुरुवार पीले रंग का वस्त्र भी धारण करिए तो इससे आपके देव गुरु बृहस्पति और अच्छा प्रभाव आपको देने लगेंगे तो प्रिय दर्शकों आशा करता हूं जिस उद्देश्य से मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था आगाह करने के लिए क्योंकि गुरु कमजोर पड़ेंगे अब और गुरु को अगर बल नहीं दिया तो विशेष करके वो लोग जिनके लिए देव गुरु बृहस्पति इस समय विवाह और संतानदायक स्थिति में थे ये विशेष करके उनके लिए वो कमजोर हो जाने से वो सुख अब ये तीन चार महीने का समय था वो समय भी निकल जाएगा आपके हाथ से तो ये प्रयोग करके आप अपने गुरु को ठीक रख सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही इजाजत दीजिए पुनः मुलाकात हो तब तक के लिए नमस्कार